फर्स्ट वीडियो मैंने जब डाला था यूट्यूब के ऊपर, आई एम परचेजिंग माई ड्रीम बाइक, तो भाई वो ड्रीम बाइक जो थी वो सच में दिस मशीन, मतलब ये मशीन से मैं सेटिस्फाइड हूँ या नहीं हूँ। सली चलती फिरती कोकेन है कोकेन। इस व्लॉग में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ मेरा राइडिंग एक्सपीरियंस, ठीक है। मैंने कुछ कुछ इसमें मॉडिफिकेशन कराए हुए। दिक्कत क्या होती है ऐसे छोटी सिटीज में अगर आप ऐसी बाइक्स लेते हैं? तो भाई बहुत दिन से ना व्लॉग बनाने सोच रहा था मैं, लेकिन जो है टाइम ही नहीं मिल रहा भाई। व्लॉग बनाना मतलब यार पूरा एक एफर्ट लगते, बट ठीक है, एक्सक्यूजेस नहीं दे रहा मैं। देयर इज नो रूम फॉर एक्सक्यूज, ठीक है। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। एक और नए व्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो मैं बहुत दिनों से शॉर्ट कंटेंट में फोकस कर रहा था भाई, रील्स वगैरह पे। इंस्टाग्राम पे चेक मारो, अगर आपने देखे नहीं मेरी रील्स, न्यू रील्स मैं लाते रहता हूँ। तो जस्ट एक कैजुअली निकला हूँ मैं हमेशा की तरह भाई, संडे के दिन। आज है संडे, ठीक है। डेट क्या है आज की? आज की जो डेट है वो है 11 अगस्त संडे। जस्ट कैजुअली एक राइड पे निकला, तो पूरा राइडिंग एक्सपीरियंस आप लोगों को मैं बताऊंगा। इस बाइक को लेके मतलब जो भी मैंने अभी तक राइड किया है, मुझे एक साल हो चुका है, इसके ऊपर मुझे क्या क्या दिक्कत आई, ठीक है। मैंने कुछ कुछ इसमें मॉडिफिकेशन कराए हुए और कुछ कुछ डिवाइसेस मैंने लगाया हूँ इसके ऊपर, ठीक है। तो ये सब चीज़ों का मैं आपको एक शॉर्ट में रिव्यू दूंगा। वेदर बहुत ही भाई एक नंबर हो रहा है, देखो पूरा काले घने बादल, एकदम हरियाली, ठीक है। वेदर एकदम बढ़िया हो रहा है भाई भुसावल का आज। पानी वानी भी गिर रहा है हल्का फुल्का बीच बीच में। तो भाई चलिए शुरू करते हैं हमारा व्लॉग। सेटअप वेटअप लगाया हुआ भाई, यहाँ माउंट है, इधर माउंट है, सारी चीज़ें आप लोगों के लिए भाई अलग अलग एंगल से, ठीक है। तो जल्दी से मैं मेरा हेलमेट पहन लेता हूँ, हम लोग जाते एक स्टॉप पे, वहाँ आपको मैं ठहर के सारी चीज़ें बताऊँगा। ओके चलते फिर, मिलते। तो भाई चलिए शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन द फन। बाइक बहुत सही गई यार, पता नहीं यार साला, बाइक कोई भी अच्छी जाओ ना, ध्यान मेरा पहले चले जाता उस पर। अरे कमाल है यार, यहाँ बारिश हुई भी है, इधर रोड गीला है, पीछे रोड गीला नहीं था। अरे भाई साहब अजीब ही है, रेनकोट तो मैंने रखा नहीं हूँ, बारिश वारिश आई तो भाई गीला होके जाना पड़ेगा, पर ठीक है। क्या हो गया भाई, इधर एक्सीडेंट हुआ क्या हुआ? कुछ तो रोड ड्रिल व्रिल करने की मशीन है भाई। हाँ तो भाई एक जगह पहुंच चुके हम अभी फिलहाल, ठीक है, अच्छी रही राइड, मस्त। और हाईवे से फिर अंदर ऑफ रोड आया मैं, ठीक है। देखते हैं थोड़ा सा और अंदर, एक अच्छी जगह देखते हैं, साइलेंट हो भाई थोड़ा सा, है ना, ये ट्रैफिक की आवाज़ आती है ना तो फिर बीच में वीडियो अपनी अच्छी बनेगी नहीं ना। तो बच्चा देख रहा है हमको, मिलते हैं भाई। अब क्या बोले, रिएक्शन तो आते रहता है लोगों का, अब इतना अतरंगी बन के घूमेंगे ना तो कोई भी देखेगा। अतरंगी, अरे भाई ये सही जगह दिख रही है मेरे को, थोड़ी सी आई डोंट नो, थोड़ी सी ये जगह सही दिख रही है मेरे को। हाँ हाँ हाँ, ये देखो ब्रो, ये क्या है इधर, थोड़ा ड्रिफ्ट भी मार लिया अपन ने,
ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट ओके। ये देखो घस गया थोड़ा सा, ठीक है। तो ऐसा कुछ आजू बाजू का नज़ारा है भाई, मस्त इधर हरियाली हरियाली, ऊपर जो है बादल, और ये खड़ी हमारी बाइक। भाई गरम लगता है यार बहुत हेलमेट में, पर ठीक है, सेफ्टी इज इम्पोर्टेंट भाई। थोड़ा सेल्फी वगैरह ले रहा था फोन में, ठीक है। तो भाई शुरू करते फिर। सबसे पहले एज आई टोल्ड यू दैट मॉडिफिकेशन, तो ये हैंडल बार जो दिख रहा है ना आपको विथ राइजर, तो ये हैंडल बार मैंने चेंज किया है, ठीक है। कंपनी का जो दूसरा आया था स्टॉक वाला वो मैंने निकाल के ये वाला प्रो टेपर का हैंडल बार लगाया हूँ। देन उसके बाद में जो पीछे का आता है जो मडगार्ड, ठीक है, मडगार्ड मैंने रिमूव करके ये टेल टीडी लगाया हूँ, ठीक है, टेल टाइडी, वॉट एवर यू प्रोनाउंस, ठीक है, टेल टाइडी बोलो टीडी बोलो। तो ये मडगार्ड बैक साइड का पूरा नीचे था ऐसा, जो कि हमने रिमूव करके लाइसेंस प्लेट इस पर छोटी सी लग गई, और ये इंडिकेटर्स हमारे एलईडी, ठीक है, ये इंडिकेटर्स भी हमने मॉडिफाई किया है एलईडी इंडिकेटर्स, ठीक है। अगर आपको मैं बता दूँ तो इसमें हजार्ड का फीचर भी है, ठीक है, तो ये हजार्ड वाला फीचर भी मैंने इसमें ऐड किया हुआ, ये इंडिकेटर्स। हजार्ड की एक चिप आती है, वो चिप लग जाती है अंदर, ठीक है। और रैली सीट में सोच रहा हूँ, रैली सीट भी काफ़ी लोग लगाते हैं, ठीक है, रैली सीट। देन उसके बाद में ऑफ कोर्स भाई साइलेंसर, ठीक है। देन उसके बाद इंटरकॉम, इंटरकॉम का जो है फीचर ये है, AGS कंपनी का इंटरकॉम है, ठीक है। इसके अंदर जो फीचर है ये आप ड्यूरिंग अ राइड, अगर आपको इफ़ यू वांट टू बी स्टे कनेक्टेड विथ योर राइडर फ्रेंड्स, इफ़ यू वांट टू लिसन म्यूज़िक, ठीक है, तो आप म्यूज़िक लिसन कर सकते हैं और कॉल पे भी बात कर सकते हैं। अगर मैं आपको इसको ओपन करके बताऊँ इंस्टॉलेशन, तो दिख रहा है आपको ये माइक्रोफोन, ठीक है, ये इधर माइक है, दिस इज़ द माइक, और ये जो है स्पीकर्स है, वह एक स्पीकर यहाँ है और एक स्पीकर यहाँ है, ठीक है। एक सिंपल सी गाइड अगर आप ट्यूटोरियल फॉलो कर लिए यूट्यूब पे देख के, देन यू कैन ईजीली कंट्रोल दिस सेटअप। तो बहुत ज़रूरी है भाई, इंटरकॉम यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। आई मस्ट रेकमेंड दिस कि भाई हेडफोन ना पहनो ड्यूरिंग राइड, ठीक है, इंटरकॉम आप ले सकते हैं। अगर आप लोगों को परचेज करना है तो यू कैन पिंग मी ऑन इंस्टाग्राम, आई विल शेयर यू द लिंक। और अगर आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों को शॉप का जो एड्रेस है वो दे दूंगा, ठीक है, तो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट देम एंड परचेज देम। तो भाई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, एज यू नो दैट भुसावल जो हमारा Tier 3 सिटी है, छोटा सिटी है, ज़्यादा मतलब यहाँ पर ऑफ रोडिंग कल्चर जो है, स्पोर्ट्स बाइक का कल्चर उतना नहीं है कंपेयर टू बिग सिटीज़। तो दिक्कत क्या होती है ऐसी छोटी सिटीज़ में, अगर आप ऐसी बाइक्स लेते हैं जिसका मतलब लोकल मैकेनिक्स को उनको इतना आइडिया नहीं होता ये सब चीज़ों का, मतलब ये जो एडवेंचर बाइक्स है स्पोर्ट्स बाइक्स है उनको नॉलेज उतना नहीं होता लोकल मैकेनिक्स को। आपको एक अच्छे मैकेनिक पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर आप अच्छे मैकेनिक के पास जाओगे तो आप परेशान नहीं होंगे, ठीक है, आपकी बाइक जो है आप सेटिस्फाई होंगे, क्योंकि भाई बाइक जो है ना ऐसा होता है कि पैसे खर्चा तो होते ही है, लेकिन आप साथ में परेशान भी हो जाते हैं कि पैसे देकर भी आपका काम नहीं हो पा रहा बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रॉपर रिसोर्स। तो कुछ मेरे फ्रेंड्स लोग पूछ रहे थे मुझसे, भाई टॉप स्पीड तू कितना लेके गया इस बाइक के ऊपर, तो टॉप स्पीड भाई जो मैं इस पे लेके गया वो है 120। तो उससे ज़्यादा 120 के ऊपर जाती भी नहीं है वो, थोड़ा सा फंबल करती है गाड़ी, तो इट इज़ नॉट रिकमेंडेड एट ऑल। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे कि टॉप स्पीड क्या है एक्सपल्स की, तो भाई वो 115 है। हमने 120 लेके गए उसको, टॉप स्पीड से 5 ज़्यादा, बट ठीक है, मतलब ले जा सकते आप, कोई इशू नहीं है उसमें। स्पीडिंग के लिए है ही नहीं बाइक, मतलब इसका ये सेगमेंट ही नहीं है, ऑफ रोड सेगमेंट है इसका। बट
बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आएगा अगर आप इसको ऑफ रोड लेके गए, जो टीरैंस है, थोड़ा सा पॉट होल्स है, उस पर जंप करके, भाई एक नंबर, बहुत ही, इट्स अ वेरी गुड बाइक, ठीक है, ड्रीम बाइक मैंने परचेस तो कर लिया भाई। ड्रीम बाइक लेने के बाद में आप सेटिस्फाई हो या नहीं हो तो मैं वही बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो भाई ये बाइक से ना मतलब बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मुझे मिला है। डेफिनेटली मैं अपनी ड्रीम बाइक से सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि ऑफ रोड में क्या भाई मजे आते भाई, मजे भाई। तो ये है ऑल इन ऑल एक्सपीरियंस हमारा, राइडिंग एक्सपीरियंस। तो भाई ये सब चीज़ें हैं, आपके पास अगर और कोई सवाल है इस बाइक को लेके तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़। अगर आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा गाइस तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो मुझे आप कमेंट्स में या इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हो, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टाटा, बाय बाय, सी यू, हैव अ गुड डे। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।